हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ये आज हमारा आपका लेक्चर नंबर 7 है, ठीक ना। इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो इंटीग्रल्स पर ही हैं। 6 लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं। आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लीजिएगा, वहां सभी लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। ओके, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म राइट, टाइप 1 मैंने लिख रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin square x plus b cos square x। मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन समटाइम्स आपका आता है, तो ये फॉर्म आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। एंड अनदर इज dx अपॉन a plus b sin square x लिखा हुआ है, या फिर dx अपॉन a plus b cos square x ऐसे लिखा हुआ है, या समटाइम्स dx अपॉन a sin x plus b cos x whole square लिखा है। हियर a एंड b आर एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं। एंड अनदर इज dx अपॉन a plus b sin square x plus c cos square x, ये है। ओके, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, इसमें भी आप क्या फाइंड कर लीजिए, एक एल्गो बना लीजिए। ठीक, एल्गोरिथम इसकी भी हम बना लेते हैं। क्या एल्गोरिथम हम कर लेते हैं, देखिए एल्गोरिथम भाई ये है कि अगर इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हमें दिखे, तो सबसे पहले आप आंख बंद करके एक काम करिए, क्या स्टेप 1 हम लिखते हैं यहाँ पे। स्टेप 1 में आप करेंगे डिवाइड, क्या डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाई व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। आप ये समझ सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉम ले लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई, देखिए स्टेप 2 में ये काम करना है, चेंज sec square x इनटू डिनोमिनेटर, sec square x इनटू 1 प्लस tan square x फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, sec square x लिखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 प्लस tan square x में ब्रेक करेंगे। दूसरा स्टेप क्या, अगर न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है 1 प्लस tan square, सपोज न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस tan square x है, तो इसको हम sec में चेंज कर देंगे, sec square x में चेंज कर देंगे। नाउ स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट, लेट tan x इज इक्वल टू t, और जैसे ही tan x इज इक्वल टू t लेट करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट व्हाट, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अगर ये फॉर्म हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो स्टेप 4 में जो आपकी फॉर्म ये है वो रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ जाएंगी। किस फॉर्म में, dx अपॉन at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो स्टेप 4 है वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा, तो आप इसको प्रीवियसली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये है बेसिक इसकी एल्गो। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। राइट, ये फॉर्म्स आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, इसका क्वेश्चन मान के चलते हैं, एक आपको मिलता रहता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 1 प्लस, या यही ले लेते हैं, चलिए जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसी को हम ले लें, अगर ठीक, अगर उसी को फॉर्म को ले लें हम, क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, हमारे पास ये है। मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड करेंगे, तो चलिए जैसे ही डिवाइड करेंगे आप, ये हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू, लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वी हैव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, भाई यहां से ए इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन बाई कॉस आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
cos square x plus ये b बचेगा और यहाँ dx, ओके। और ये क्या है 1 upon cos square x, भाई ये होता है sec square x upon a और sin square x upon b, cos square x हो गया tan square x plus b, क्लियर, ये हुआ dx। Now let tan x is equal to t, जैसे मैंने बताया था let tan x is equal to t, ओके। तो tan x is equal to t लेट करके हम a tan x लिख लें, ठीक, लिख लेते हैं a tan x is equal to t, तो कितना आ जाएगा, या आप a नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां से a पहले कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 1 upon a sec square x upon tan square x plus b by a, ये मिल जाएगा, ठीक। Now tan x is equal to t, तो जैसे ही इंटीग्रेशन में हम लेट करते हैं उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का, तो करिए डिफरेंशिएट, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x और dx इधर वाला इधर और ये हो गया dt, रिप्लेस करते हैं इसको, therefore जो हमें i मिलेगा, i क्या मिल जाएगा 1 upon a और sec square x dx किस में चला गया है dt में, तो dt upon t square plus b by a है, तो क्या इसको b upon a रूट का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये क्यों लिख रहे थे क्योंकि 1 upon a square plus x square का फॉर्मूला बनाएंगे मैं, अब क्या आएगा 1 upon a और 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला क्या 1 upon a, a means अंडर रूट b by a, tan इनवर्स x upon a, x x की जगह क्या है t और a की जगह है अंडर रूट b और अंडर रूट a, ठीक, प्लस c, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये यूज किया है dx upon a square plus x square होगा क्या 1 upon a tan इनवर्स x upon a plus c, तो ये आ गया फॉर्मूला। नाउ रिप्लेस कर देते हैं t को और ये आएगा क्या फाइनली i is equal to 1, a से कट जाएगा तो 1 upon under root a b, ठीक, tan inverse under root a by b है और t की जगह क्या जाएगा tan x और under root a by b plus c, ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये फॉर्म समझ आ गई होगी, टाइप 1 हो गया, यस, टाइप 2 की बात करूंगा मैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx upon a sin x plus b cos x and dx upon a plus b sin x and another one is dx upon a plus b cos x and the last one dx upon a sin x plus b cos x plus c, ये है, okay? Last form की जो बात की थी type 1 की उसमें square थे सभी के, है ना, यहाँ पर square नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसका भी हम elbow देख लेते हैं, elbow से चीजें easy हो जाती है करना, है ना, तो इसको भी elbow के form में हम लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे put sin x is equal to sin x का formula हम put करेंगे tan x के form में, तो sin x का formula क्या होता है भाई 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 and cos x का भी formula हम यही put करेंगे, क्या put करेंगे 1 minus tan square x by 2 upon क्या 1 plus tan square x by 2, ये होते हैं फॉर्मूला, तो ये हम पुट कर देंगे, ठीक, और ये पुट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जब आप रख देंगे किसी भी क्वेश्चन में जब पुट कर देंगे तो 1 plus tan square आ जाएगा और न्यूमरेटर में जहां तक वो sec में चेंज हो जाएगा, ठीक, इसके बाद हम पुट करेंगे पुट tan x by 2 is equal to t, जब ये tan x by 2 को हम t के इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या sec square x by 2 dx is equal to dt, अगर देखें तो 1 by 2 भी मिलेगा ना, तो 1 by 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे ये इतना हो जाएगा, तो sec square x dx is equal to 2 dt के इक्वल हम पुट कर देंगे, तो स्टेप थर्ड में ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो चेंज होकर के आ जाएगा इस फॉर्म में, जो आपका क्वेश्चन है रिड्यूस टू दिस फॉर्म dt upon at square प्लस बी टी प्लस सी, ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट, ये तो अब सॉल्व हो जाएगा, तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं फुल कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना भाई, इसको मैं रेज करता हूं यहां से, आप समझ चुके हैं फॉर्म, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके पीछे या शिफ्ट करके, है ना, वो तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, हमने क्वेश्चन एक कंसीडर कर लिया, यहां से क्वेश्चन है हमारे पास I is equal to या इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस sin x प्लस
cos x, हमने ये क्वेश्चन लिया। ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि sin x और cos x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, I is equal to integration dx upon 1 plus sin x की जगह 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 हो जाएगा, प्लस इस cos x की जगह हम लिखेंगे क्या 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, clear? ये 1 plus tan x by 2, 1 plus tan x square x by 2 इधर LCM जाएगा और shift हो जाएगा numerator में, मिलेगा क्या integration 1 plus tan square x by 2 whole upon ये 1 plus tan square x by 2 plus 2 tan x by 2 plus 1 माइनस का tan स्क्वायर x by 2, हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट। ठीक, तो कैंसिल होकर के मिलेगा क्या I is equal to integration 1 plus tan स्क्वायर x by 2, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 upon ये 1 मिल करके 2 plus 2 tan x by 2 dx, ये रहा। ठीक ना, अब अगर हम यहां से tan x को डिलीट कर लें, ठीक, tan x by 2 को डिलीट कर लें, वैसे मैंने किया था एल्बो में वैसे ही करेंगे, let tan x by 2 is equal to t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे ही लेट किया तो तुरंत डिफरेंशिएशन किया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 का होगा, सॉरी x by 2 का ये होगा, dx is equal to dt। ठीक, यहां से हम लिख सकते हैं 1 upon 2, अरे वही बात तो है, sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तो हमारा क्वेश्चन ये था ना, तो क्वेश्चन के दिया देख देख के आएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 upon ये 2 और 1 plus tan x by 2 dx हम लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे t को dt को, तो ये पूरा पोर्शन हमारा किस पे चला जाएगा, dt में, बचेगा क्या I is equal to integration dt upon 1 plus t, और 1 plus t का integration सभी जानते हैं 1 upon 1 plus t का integration log 1 plus t आएगा, और plus c replace t by what, t को हम replace कर देंगे। ठीक ना, तो चलिए replace करिए, जैसे ही t को replace करेंगे तो हमारा answer आएगा I is equal to log 1 plus and t की जगह क्या था, t की जगह था tan x by 2, tan x by 2 plus c, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से समझ आ गया ना, तो ये हो गया आपका टाइप 2। ओके, नाउ अगला लेक्चर जो हम बात करेंगे वो होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक ना, जो टाइप ऑफ इंटीग्रल था हमारा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रल, उसमें अब सेकंड मेथड चलने वाला है टाइप आपका क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए,